गुड मॉर्निंग क्लास दिस इज आर एना फिजियो क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम इन आर प्रिवियस क्लास वी स्टड द ओवर कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम इन वेरी इन ओवर व्यू वी स्टड न तो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ लेते हैं काज सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसमें ब्लड डिस्ट्रीब्यूट रहता है हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर इसका मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में काम में आता है क्योंकि मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड के द्वारा किसका करता है न्यूट्रिएंट का ऑक्सीजन का और वेस्ट और सीओ वगैरह को रिमूव करता है ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी है ना ये स्ट्रक्चर भी हमारे को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि जनरल हमने देख लिया था पढ़ लिया था इस सिस्टम का काम है ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स सेल वेस्ट हॉर्मोन्स और दूसरे सबस्टांस जो हमारे लिए बहुत वाइटल हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है या कैरी करता है हमारे बॉडी की होम्योस्टासस को मेंटेन करने के लिए सेल से और सेल तक होम्योस्टास को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है या कैरी करता है सेल से लेकर सेल तक टू एंड फ्रॉम सेल्स वो फोर्स जो ब्लड को हमारी बॉडी के चारों तरफ मूव करवाता है वो फोर्स कहाँ से आता है हार्ट की पंपिंग से और ब्लड प्रेशर से हार्ट पंपिंग और ब्लड प्रेशर से वो फोर्स आता है जिससे कि ब्लड बॉडी में चारों तरफ घूमता है ये स्ट्रक्चर इसकी लास्ट क्लास में हम ये स्टडी कर चुके हैं बार बार मुझे इन्हीं चीज़ों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है अब सबसे पहले इस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जो हम आज पढ़ेंगे वो है द हार्ट जो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो है द हार्ट ये स्ट्रक्चर भी हमने देख ली थी भाई पल्मोनरी वॉल्व माइट्रल वॉल्व होते हैं ये माइट्रल वॉल्व बड़े अच्छे से दिखाए गए हैं कहाँ माइट्रल वॉल्व है कहाँ पलमोनरी वॉल्व एकदम क्लियर स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये ट्राई कस्पिड वॉल्व आपको दिखाई दे रहे हैं जो राइट right एट्रियम और राइट right वेंट्रिकल के बीच में है माइट्रल वॉल्व जो है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम के बीच में है ये सुपीरियर वीना कहवा पलर वेन ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं ये कार्डियक मसल्स बताई गई हैं इन्फीरियर वेना कहवा सुपीरियर के कहवा सुपीरियर ऊपर सुपीर की तरफ और वही नीचे की तरफ है उसको इन्फीरियर के कहवा कह रहे हैं हार्ट ह्यूमन हार्ट अप्रॉक्सीमेटली फिस्ट साइज का होता है वेज वेटलेस है बहुत मतलब एक पाउंड से भी कम उसका वेट होता है बहुत हल्के फुल्के से स्ट्रक्चर है इन्फीरियर मीडिया स्टेनम में ये एनक्लोज रहता है मीडियल कैविटी जो थॉरक्स की मीडियल कैविटी है वहाँ पर होता है और इसके दोनों साइड जो है लंग्स हैं यानी फ्लैंग ये दोनों साइड से लंग्स है फ्लैंगड रहता है ये वापस से इसकी स्ट्रक्चर ये वाली स्ट्रक्चर भी हमने देख ली थी कि ये ऊपर लंग्स को सप्लाई कर रही है पलमरी वेन है जो लंग्स से आ रही है सुपीरियर वेना कहवा बताई गई है बड़ा करूँ दिखाई दे रहा है आपको ये एट्रिया के सेप्टम है जो डिवाइड करके रख रहे हैं इसको ये ट्राई कस्पेड वॉल्व है इन दोनों को डिवाइड करने वाले इन्फीरियर वेना कहवा दिखाई गई है रेड से ऑक्सीनेटेड ब्लड और ब्लू से डी ब्लड को बताया गया जो आपको पता ही है अब अंदर ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ए एओटा से एटा है पी ए से पलमरी दिखाई गई है आपको एकदम क्लियर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कौन सी पलमरटरी कैसे निकल रही है एल ए लेफ्ट एट्रियम आर ए राइट एट्रियम एल वी लेफ्ट वेंट्रिकल आर वी राइट वेंट्रिकल तो ये इसकी एनाथमी हम पढ़ रहे हैं इसका पॉइंटेड पार्ट जिसको अपन अपैक्स कहते हैं वो लेफ्ट हिप की तरफ होता है और बाकी रेस्ट एट अबाउट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इंटरकोस्टल जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसके बीच में ये रिमेनिंग पार्ट इसका रहता है इसका ब्रॉड आस्पेक्ट मतलब एकदम पॉइंटेड एंड तो लेफ्ट हिप और बाकी रिमेनिंग फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ब्रॉड आस्पेक्ट या बेस जो है इसका पॉइंट्स टूअर्ड द राइट शोल्डर पॉइंटेड एपेक्स है लेफ्ट हिप और ब्रॉड आस्पेक्ट या बेस है इसका राइट right शोल्डर की तरफ सेकेंड रिब के नीचे पाया जाता है हार्ट एक डबल वॉल्ड के थैले में एनक्लोज रहता है जिसको अपन पैरिकार्डियम कहते हैं सुपरफिशियल लूजली फिटेड पार्ट जो है इसका ऊपर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो बहुत लूजली फिट है वो फाइबरस पेरिकार्डियम के अंदर रहता है जो हमारे को प्रोटेक्ट और एंकर करता है हार्ट को प्रोटेक्शन देता है हार्ट को और एंकर करने में होल्ड करने में काम में आ रहा होता है तो पेरिकार्डियम बड़ा करके दिखाई देखो ये ट्रांसपेरेंट सा थैलासा दिखाई दे रहा है वो पेरिकार्डियम है जिसके अंदर हार्ट है ये पेरिकार्डियम को बढ़ा करके बताया गया है और ये फ्लूड पेरिकार्डियल फ्लूड है यही डायग्राम देख लीजिए बड़ा करके दिखाया हुआ है पेरिकार्डियल फ्लोड इस पेरिकार्डियम में हार्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम डीप में होता है स्लिपरी होता है टू लेयर की सिरस पेरिकार्डियम इसमें पाई जाती है पैराइटल लेयर जो कि लाइन्स है इंटीरियर ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ कौन सी है पेराइटल लेयर डायग्राम के अंदर देखिए सिरोस पेरिकार्डियम और पैराइटल लेयर ये देखिए तीन लेयर्स होती है सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम उसके बाहर मायोकार्डियम और सबसे बाहर पेरिकार्डियम होती है पेरिकार्डियम यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी दिखाई गई है ये बाहर की तरफ फाइब्रस लेयर है ये पैराइटल फाइब्रस लेयर के अंदर पैराइटल पेरिकार्डियम और उसके बाद कैविटी कैविटी के अंदर विसरल पेरिकार्डियम हार्ट पैराइटल लेयर जो है अटैच रहती है लार्ज आर्टरी से लिविंग द हार्ट जो हार्ट से निकलने वाला लार्ज आर्टरीज है उसके साथ में अटैच रहती है ये पैराटल लेयर और एक यू टर्न बनाती है जो कि कंटिन्यू होता हुआ इन्फीरियरली कंटिन्यू होता हुआ हार्ट के सरफेस पर से जाता है विसरल लेयर के रूप में जिसको आप क्या कहते हैं एपिकार्डियम कहते हैं यू टर्न लेता हुआ निकल रहा है तो उसको आप क्या कह रहे हो एपिकार्डियम एक स्लिपरी ल्युब्रिकेटिंग फ्लूड इस सिरोस पेरिकार्डियल मैम्ब्रेन से प्रोड्यूस होता है जो हार्ट को बीट करने के लिए अलाउस करता है ईजीली फ्रिक्शन लेस एनवामेंट में कि ताकि आराम से हार्ट जो है वो बीट कर सके इसलिए उसको ल्युब्रिकेट करने के लिए एक स्लिपरी ल्युब्रिकेटिंग फ्लूड निकलता है सिरोस पेरिकार्डियल मैमब्रेन से ये पेरा पेरिकार्डियल फ्लूड ये देखो ये पेरिकार्डियल कैविटी के, के अंदर फाइबरस पेरिकार्डियम बाहर की तरफ अंदर पैरेटल लेयर सिरस पेरिकार्डियम की यहाँ पर विसरल लेयर है सिरस पेरिकार्डियम की <coughs> सॉरी जिसको आप जो एपिकार्डियम कहलाती है हमने कहा ना यू टर्न लेती हुई एपिकार्डियम बना रही थी और यहाँ पर ट्रेबिक्यूली कैरनी भी बताई गई है तो ये फ्रिक्शन लेस दे रही है ताकि हार्ट है ना अच्छे से अपना बीट कर सके अब पेरिकार्डियम अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को अपन पैरिकार्डाइटिस कहते हैं अक्सर इसकी ये क्यों हो जाता है क्योंकि सिरोस फ्लूड के अंदर कमी आ जाती है उसका अमाउंट कम हो जाता है सिरोस फ्लूड का तो उसकी वजह से एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन एराइज़ होती है जिसको आप पेरीका्डाइटिस कहते हैं पेरिकार्डियल लेयर चिपक जाती है इस की वजह से जिससे कि पेनफुल एडिशन हो जाता है हार्ट मूवमेंट ढंग से हो नहीं पाता है तो ये नॉर्मल पेरिकार्डियम आपको इस डायग्राम के अंदर सेकंड डायग्राम में दिखाई गई है और यहाँ पर इनफ्लेम्ड ये नॉर्मल पेरिकार्डियम इनफ्लेम्ड पेरिकार्डियम देखिए सूजन आ गई है तो ये कंडीशन दिखाई गई है कि अगर ये ऐसी कंडीशन आउटर लेयर के अंदर सूजन आ गई तो चिपक जाएगी तो हार्ट जो है वो मूवमेंट अपना नहीं कर पाएगा अब हार्ट वॉल्स तीन लेयर की बनी होती है आउटर एपिकार्डियम मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम डायग्राम में देख लीजिए हार्ट वॉल्व एपिकार्डियम जिसको आप विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हो उसके अंदर ये मायोकार्डियम इतनी मोटी सी लेयर और सबसे अंदर एंडोकार्डियम फिर उसी के बाहर ये विसरल पेरिकार्डियम के साथ में पैराइटल कैविटी विसरल पेरिकार्डियम के बाहर पैराइटल कैविटी होती है और उसके बाहर पैराइटल पैरिकॉडियम तो विसरल पैरिकॉडियम और पैराइटल पैरिकार्डियम दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं सिरस पेरिकार्डियम स्टार्टिंग में हमने कहा ना सिरोस पेरिकार्डियम होती है सिरोस पेरिकार्डियम किससे बनी हुई है विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम से बनी हुई है? है और उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम दो तरह की पैरिकार्डियम है सिरोस और फाइब्रस सिरोस में विसरल और पैराइटल आती है और बीच में पैराइटल कैविटी आती है मायोकार्डियल लेयर जो हार्ट की होती है वो थिक बंडल ऑफ कार्डिक मसल की बनी होती है जो कि रिंग लाइक अरेंजमेंट में ट्विस्टेड रहती है ये कार्डिक मसल्स ट्विस्ट होकर के रिंग लाइक अरेंजमेंट बना लेती है देख सकते हो आप मायोकार्डियम की स्ट्रक्चर काफी मोटी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है दिस ये जो हार्ट की लेयर है एक्चुअली यही लेयर है जो कॉन्ट्रैक्ट होगी रिलैक्स होएगी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन इसी मायोकार्डियम की वजह से होता है डेंस के द्वारा री होती है डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा री होती है हार्ट का स्केलेटन बना रही है ये मेनली तो ये आपको हार्ट को इसमें इस तरह से बड़ा करके बताया गया है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम की कवरिंग है उसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू और फैट है जो कि क्या बना रहे हैं अब ये मिल करके एपिकार्डियम जिसको अपन विस्ट्रल पेरिकार्डियम कह रहे हैं विस्ट्रल पेरिकार्डियम यानी एपिकार्डियम तो बना हुआ है सिंपल स्क्मस एपिथीलियम और लूज कनेक्टिव टिश्यू और फैट का उसके अंदर है मायोकार्डियम और फिर अंदर एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम हार्ट की सबसे थिन चमकती हुई शीट है एंडोथीलियम की जो कि हार्ट के चैम्बर को लाइन करती है, चैम्बर्स को कवर की रहती है कंटिन्यूस ये ब्लड वेसल की लाइनिंग के साथ में रहती है लिविंग एंड एंटरिंग द हार्ट जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हार्ट में घुस रहे निकल रही है, उनके साथ में ये कंटिन्यू रहती है डायग्राम में देख लीजिए भाई मायोकार्डियम जो इसको अपन मसल लेयर भी कहते हैं ये उसके अंदर एंडोकार्डियम जो इनर एंडोथिलर लाइनिंग बनाती है ट्रेबिक्यूली को कवर की रहती है और पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम सिरोस पेरिकार्डियम ये तो याद ही हो गया होगा अब तक आपको स्पेस बताया गया और सिरोस पेरिकार्डियम विस्टल लेयर एपिकार्डियम की है कॉम्पोनेंट बताए गए हैं पेरिकार्डियम जो हार्ट सैक है उसके अंदर मसल लेयर जो कि मायोकार्डियम कहलाती है और फिर इनर लाइनिंग जो कि एंडोकार्डियम कहलाती है हार्ट चार होलो चैम्बर से बना होता है जिसमें दो एट्रिया दो वेंट्रिकल्स होते हैं दो एट्रिया रिसीविंग चैम्बर है ये ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं दो वेंट्रिकल्स फिलिंग चैम्बर और रिसीव लेकर ब्लड को लेकर के फिलिंग चैम्बर में भर देंगे नीचे दो वेंट्रिकल्स दिखाए गए हैं लेफ्ट और राइट और ऊपर दो एट्रियम दिखाए गए हैं लेफ्ट और राइट ब्लड फ्लो एट्रियम में होता है लो प्रेशर में लो प्रेशर के तहत एट्रियम में ब्लड फ्लो होगा कहाँ से आएगा वो ब्लड वेन से और कंटिन्यू होता हुआ वो वेंट्रिकल में चला जाता है वेन से ब्लड आएगा लो प्रेशर के साथ में और एट्री में भर जाएगा और वहाँ से आगे वेंट्रिकल में चला जाएगा जैसा डायग्राम में दिखाया गया है एरो आ रहा है ना लेफ्ट एट्रियम और राइट एंट्री में नीचे की तरफ एरो दिखा रहे ऊपर से वाले ब्लड आया इनमें घुसा और फिर इसे नीचे वेंट्रिकल्स में चला गया जहाँ वॉल लगे लेफ्ट वेंट्रिकल में माइट्रल वॉल्व है इस साइड आपको ये एटिक वॉल्व दिखाए गए हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर आपको पल्मोनरी वॉल्व के पास में ट्राइक स्पेड वॉल्व दिखाए गए हैं पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी के लिए हैं माइट्रल सॉरी एटिक वॉल्व जो है वो एओटा के लिए बताए गए हैं वेंट्रिकल्स थिक वॉल के डिस्चार्जिंग चैम्बर्स होते हैं काफी थिक होती है इन वेंट्रिकल्स की दीवारें डिस्चार्ज करेंगे ब्लड को आगे ये हार्ट दे आर द पंप्स ऑफ द हार्ट हार्ट के ये पंप है मतलब यही दबते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड इसमें से निकलेगा यानी हार्ट की पंपिंग होगी हार्ट पंप करेगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होएंगे तो ब्लड इनसे बाहर निकलेगा किन से हार्ट से वेंट्रिकल हार्ट के वेंट्रिकल रीजन से बाहर निकल करके सर्कुलेशन में चला जाएगा ये डायग्राम एलेबोरेट करके बड़ा डायग्राम है आपको ये स्ट्रक्चर देखो भी ध्यान से देखनी है और याद करके एग्जाम में बनानी है पूछा जाता है डायग्राम है नाचमी में डायग्राम पूछा जाता है तो ये वेल लेबल्ड आपका डायग्राम आपको बनाना है ना कि वो जो पहले डायग्राम आए थे उसमें लेबलिंग उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें कम चीजें बताई गई थी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीजें बताई गई है आपको ये डायग्राम नोट करना है ठीक है आपको समझ में आ रहा है राइट ऑरिकल सेप्टम वगैरह सब इसमें बताए गए हैं बाकी ये डायग्राम आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा तो बुक से आप ये डायग्राम देख लीजिएगा राइट वेंट्रिकल फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द हार्ट्स एंटीरियर सरफेस हार्ट के एंटीरियर सरफेस किसकी बनी होती है राइट right वेंट्रिकल की पूरी बनी होती है जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स बनाता है अब जो सेप्टा है वो हार्ट को लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करते हैं डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं सेप्टा डिवाइड कर रहे हैं लंबे लंब से ताकि आप हिंदी में क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर आर्ट्रियल सेप्टम ये दो हैं चैम्बर्स को कैसे सेपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है इंटर आर्ट्रियल और इंटरवेंटिकुलर सेप्टम हार्ट का फंक्शन डबल पंप ये करता है राइट साइड वर्क एज अ पल्मोनरी सर्किट पंप पल्मोनरी यानी लंग्स के सर्किट के पंप का, का काम करा राइट साइड का जो कि रिसीव्स रिलेटिवली ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द वेन्स ऑफ द बॉडी बॉडी की वेन्स से ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लार्ज सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा ठीक है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के, के द्वारा डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को यह हार्ट जो है वो उसका राइट साइड वाला पार्ट रिसीव कर रहा है वही वही डायग्राम बार बार समझाने के लिए बताया गया है फिर यह ब्लड पंप आउट होता है पलनरी ट्रंक के द्वारा जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है राइट पलनरी आर्टरीज और लेफ्ट पलनरी आर्टरीज में पलनरी आर्टरीज ब्लड को लंग्स तक लेकर के आ रही है जहां पर ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस हटा ली जाती है अनलोड कर जाती है जो अन्... क्योंकि आई कौन सी थी डी ब्लड आया था ना तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से सीओ तो ले लेता है लंग आपका और ब्लड जो है वो उस ब्लड के अंदर ब्लड सॉरी ऑक्सीजन जो है वो उस ब्लड के अंदर डाल देता है लंग ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग से ड्रेन होता हुआ वापस रिटर्न होकर के हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा और चार पलनोरी वेन्स के थ्रू ये अंदर आ रहा है इस सर्किट को अपन पलनोरी सर्कुलेशन कहते हैं इसका केवल फंक्शन है कि ये लंग्स से ब्लड को गैसेस एक्सचेंज के लिए ब्लड को कैरी करता है और वापस हार्ट में लेके आता है हार्ट से लंग तक लेकर के गया वहां गैसेस एक्सचेंज करी सीओ को दे दिया ऑक्सीजन को ले लिया और वापस हार्ट में आ गया तो ये डायग्राम के अंदर बताया गया है ऑक्सीजन ले लिया ऑक्सीजन दे दी वाली कंडीशन दिखाई गई लंग्स से जुड़ी हुई है ना ये दोनों चीजें ये लेफ्ट पल्मी वेन है वो राइट पलमरी वेन है तो ये गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं इस डायग्राम में देख सकते हो ये बड़ा करके अच्छे से बताया गया है ब्लड रिटर्न होता है वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में हार्ट से बाहर पंप आउट होता है एओटा में सिस्टमिक आर्टरीज की ब्रांच जो है एटा से निकलती है और बॉडी टिश्यू को ये ब्लड सप्लाई कर देती है एटा में आ गया अब बाकी टिश्यूज तक पहुंच जाएगा ऑक्सीजन पूर ब्लड यानी डी ऑक्सीडेंट ब्लड सर्कुलेट होगा वापस टिश्यू से आएगा बैक टू द राइट एट्रियम वापस राइट एट्रियम आएगा सिस्टम एक वेन के द्वारा अपने ब्लड को वहाँ पे खाली करेगा सुपीरियर या इन्फीरियर वेना कहवा में अपने ब्लड को खाली कर दिया कौन सा ब्लड है डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड जो कहाँ से आया टिश्यू से आया है तो ये तो एक सर्किट हो गया कंप्लीट अब दूसरा सेकेंड सर्किट फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू द बॉडी टिश्यू हार्ट के लेफ्ट साइड से बॉडी टिश्यूज और वापस से बैक होता हुआ राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं यानी ये डबल सर्कुलेशन चल रहा है ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है सभी बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सिस्टमिक पम्प है जो कि ब्लड को पम्प करता है ओवर अ मच लॉन्गर पाथवे थ्रू द बॉडी बॉडी का लॉन्गर पाथवे से पंप कर रहा है इसकी वॉल मोटी होती है राइट वेंट्रिकल कंपैरिजन में ये ज़्यादा पावरफुल पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है ज़्यादा पावरफुल पंप है हार्ट में चार वॉल्व्स भी होते है, चार चेंबर हैं चार चैम्बर के साथ में चार वॉल्व दो तो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले दो वेंट्रिकल को आर्टरी से सेपरेट करने वाले तो टोटल चार हो गए और ये सभी वॉल्व जो है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ये आर्टरीज़, वगैरह से सेपरेट करने वाले पल्मोनरी आर्टरीज़ से अब एट्रियो वेंट्रिकुलर जो एवी वॉल एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता नाम से पता चल रहा है एवी वॉल कहाँ पाया जाएगा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट में बाइक स्पिड और माइट्रल वॉल्व होते हैं राइट right में ट्राइक स्पिड वॉल्व लेफ्ट में बाइक स्पिड या माइट्रल वॉल्व राइट में ट्राइक स्पिड वॉल्व ये सब के सब कॉडी टेंडिनी के द्वारा एंकर्ड रहते हैं कॉडी टेंडिनी स्ट्रक्चर जो इसको बांध करके रख रही है एंकर्ड रखते हैं जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ब्लड जो है पैसिवली इन चैम्बर्स में भर जाता है एवी वॉल्व फ्लैप हो जाता है फ्लैप्स हैंग लिंपली इंटू द वेंट्रिकल वेंट्रिकल में हैंग हो जाता है ई वी वॉल का फ्लैप जो है तो इसमें जैसे ही वेंटिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होएंगे ये ब्लड को प्रेस करता है इन चैम्बर्स में और इंट्रा वेंटिकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड को प्रेस किया जाएगा इस चैम्बर पर और इंट्रा वेंटिकुलर प्रेशर उस समय राइज़ होगा सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या करता है लार्ज आर्टरीज के बेस को गार्ड करता है जो वेंटिकुलर चैम्बर से निकल रही लार्ज आर्टरीज उनके बेस को गार्ड करता है ऑन द राइट इज द पलरी वॉल्व पलनरी वॉल्व के राइट right में और लेफ्ट में क्या है एओटिक वॉल्व है राइट right में पलनरी वॉल्व और लेफ्ट में एओटिक वॉल्व होता है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है नेक्स्ट यहाँ कार्डिक साइकिल के बारे में बताया गया जब वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट होते हैं तो ये वॉल्व जो होता है वो फोर्सफुली खुल जाते हैं और फ्लैट एंड अगेंस्ट द आर्ट्रियल आर्टरियल वॉल के अगेंस्ट फ्लैट हो जाते हैं और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो ये ब्लड फ्लो वापस बैक टूवर्ड द हार्ट हार्ट में बैक उसका वो रिलैक्स के समय देखने मिलता है दिस प्रिवेंट्स एट्रियल ब्लड फ्रॉम द री एंटरिंग द हार्ट जिससे आर्टरी का ब्लड वापस से हार्ट में एंटर नहीं होगा क्योंकि ब्लड फ्लो क्योंकि जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं तो फिर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा अब कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांच जो कि एओटा के बेस से निकल रही है हार्ट को एन सर्कल करती है कोरोनरी सल्कस में कोरोनरी सल्कस किसको कह रहे हैं ए वी ग्रू को कहते हैं एट्री और वेंटिकल के जंक्शन पे एवी ग्रू पाया जाता है जिसको अपन कोरोनरी सर्कस कहते हैं उसमें जो है कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांच जो है वो बना रही है एयोटा का बेस और फिर हार्ट को वो एन सर्किल कर रही है डायग्राम में आपको बताया गया है एसेंडिंग एयोटा पलोनरी ट्रंक राइट कोरोनरी राइट एट्रियम सब चीजें दिखाई गई है आप देख लीजिए कोरोनरी आर्टरीज और उनकी मेजर ब्रांचेज जो होती है कंप्रेस होती है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होएंगे और एंड फिल वेन द हार्ट इज रिलैक्सड क्या कह रहे हैं अपन जब कंप्रेशन होएगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तो कोर्नरी आर्टरीज और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो कंप्रेस होकर के कंप्रेस होएंगी वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जब ये भर जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑब्वियस उसमें सारा ब्लड निकल जाएगा और जैसे ही ये रिलैक्स होती है तो हार्ट वापस भर जाता है मायोकार्डियम सेवरल

जो कि राइट एट्रियम के अंदर अपने जो भी उसके अंदर फ्लोड है उसको एम करेगा जब हार्ट बीट होती है रैपिडली तो मायोकार्डियम जो है रिसिड एन इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड तो मायोकार्डियम में अमाउंट प्रॉपर नहीं आता अगर हार्ट बीट बिगड़ जाती है रैपिड हो जाती है तो मायोकार्डियम में प्रॉपर ब्लड नहीं आता जिसकी वजह से क्रशिंग चेस्ट पेन अराइज होता है इसको अपन एंजाइना पैक्टोरिस कहते हैं इसको याद कर लीजिए एंजाइना पैक्टोरिस एक पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस है जिसमें तेज सीने में दर्द होता है क्यों हो रहा होता है जब हार्ट बीट तेज हो जाती है और मायोकार्डियम को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा ब्लड की डेफिशंसी मायोकार्डियम आपको बता दूं मैं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ब्लड और ऑक्सीजन के प्रति अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में जितनी नीड है जितनी डिमांड है उतना ब्लड अगर सप्लाई नहीं होता डिमांड और सप्लाई ऑफ द ब्लड में अगर इम्बेलेंस आ जाता है तो मायोकार्डियम में क्रशिंग चेस्ट पेन ऐसे अराइज होता है डायग्राम में दिखाई दे रहा है एंजाइना क्या है टेम्परी चेस्ट पेन को कहते हैं प्रेशर या डिस्कम्फर्ट टेम्प्रेरी चेस्ट पेन प्रेशर या डिस्कम्फर्ट आप उसको कह सकते हैं ये आर्टरी नैरो बताई गई है हार्ट मसल इसमें रिसीव नहीं कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है इसलिए तो ये ए की कंडीशन है पेन एंजाइना पैक्टोरिस के दौरान एक वार्निंग साइन है जो आपको बता रहा है आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है अगर एंजाइना लंबा हो जाता है तो इसका मतलब आपके हार्ट सेल्स में ऑक्सीजन की कमी आ रही है वो मरना स्टार्ट हो जाएगी इस कंडीशन में अपन कहते हैं इनफाक्शन इन्फक्ट हो गई वहाँ की जगह की सेल्स जो है वो मर गई तो ये कहलाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्योंकि मायोकार्डियम की जगह मर रही है तो माइकॉल इन्फेक्शन जिसको आप आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं और साइंटिफिकली इसको माइकॉल इन्फेक्शन क्यों होता है इस और हाइपोक्सिया की वजह से अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऑब्वियस से कम हो जाएगी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम हो रही है तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज होगी जिसको आप एमआई या हार्ट अटैक कहते हैं इनसफिशेंट ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट मसल में कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग की वजह से देखने को मिल रहा है बस तो ये अपन ने हार्ट की अनाथमी वगैरह पढ़ी उसके दोनों पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी पढ़े इसके साथ अपन आज के टॉपिक खत्म करते हैं इतना आपके लिए सफिशिएंट है कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए ध्यान से पढ़िए वैसे समझ में आ जाएगा डाउट जैसी कोई चीज़ नहीं अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा पर अगर डाउट हो तो आप अपने सीआर को व्हाट्सअप कर दीजिए तो आज लिए इतना काफ़ी